गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बैठा हूँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे और आज मैं जहाँ से जा रहा हूँ चंडीगढ़ से अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद से मेरी फ़्लाइट है वियतनाम की हनोई की और आज मेरी यात्रा शुरू हो रही है चार देशों की, वियतनाम, हनोई, थाईलैंड एंड लाओस। तो लगभग 15 दिन का ये टूर है, मैं चारों कंट्री आपको ये विजिट कराऊँगा और यहाँ जो जो चीज़ें देखने वाली हैं वो आपको बताऊँगा। इनका वीज़ा कैसे लेना है, कितना खर्चा है, वो भी मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के बताऊंगा। फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बैठा हूं, अहमदाबाद की फ़्लाइट का वेट कर रहा हूं। अभी यहां पे एक लॉन्ज है वो एक्सेस करता हूं, देखता हूं कि उसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले, अगर हुआ है तो वो भी आपको बताऊँगा और कौन कौन से कार यहां चलते हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊँगा। इसके बाद मैं फिर आपको मिलूँगा अहमदाबाद जाके और रास्ते में कुछ बताने वाला होगा तो वो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सामने लिखा हुआ है प्रीमस लॉन्च, आई थिंक नया लॉन्च खुला है, पहले दूसरा लॉन्च था। अभी चेक करते हैं ये लॉन्च कैसा है, यहाँ पे कितना बड़ा है, अभी देखते हैं जाके। ये लॉन्च सिक्योरिटी से सिक्योरिटी पास करो उसके बिल्कुल लेफ्ट पे है, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक लिफ्ट वगैरह भी लग रखी है। तो अभी मैं लॉन्च के लिए जा रहा हूँ, आप चाहो तो बाय स्टेयर भी जा सकते हो, देखो लिखा हुआ है बिजनेस लॉन्च। तो फिलहाल हम बाय स्टेयर जाते हैं। तो दोस्तों ये है लॉन्च की एंट्रेंस। तो दोस्तों ये है बड़ा छोटा सा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का लॉन्च। दोस्तों अभी मैं लॉन्च में ही बैठा हूँ, लॉन्च एक्सेस मैंने कर ली थी। लगभग यहाँ पे आपके सारे कार्ड चल जाएंगे, रुपए, वीज़ा, मास्टर, सभी कार्ड चलते हैं। और जो यहाँ पे लॉन्च है बड़ा छोटा, एक बेसिक सा लॉन्च है जहाँ आपको खाने लायक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल जाएगा। फ़िलहाल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इडली, दाल की खिचड़ी, अंडा भुर्जी, बॉयल्ड एग और इसके साथ आपको ब्रेड, ऑमलेट, साथ में पोहा और फ्रेंच फ्राई वगैरह मिल रहे थे। खाना टेस्टी था लॉन्च का, बढ़िया खाना है। और अभी मैं आधा घंटा और बैठूंगा, उसके बाद मेरी फ़्लाइट है, फ़्लाइट के लिए मैं आप गेट पे जाऊंगा और कुछ अपडेट होगी तो मैं अपडेट दूंगा। मेरे हिसाब से लॉन्च बढ़िया है, आप यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्राउड बिल्कुल नहीं है और खाना बहुत टेस्टी था, वैरायटी भी ठीक है, इतनी कम नहीं है। पहले जो लॉन्च था वो काफ़ी छोटा था और वैरायटी कम होती थी, बट अभी ये अपग्रेड हो गया है और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे सिक्योरिटी गेट चेक पास करने के बाद लेफ्ट साइड पे फर्स्ट फ्लोर पे इस लॉन्च को एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये है लॉन्च का खाना, आप देख सकते हो कि सैंडविच है, फ्रूट है, कर्ड है और साथ में आपको यहाँ पे ब्रेड वगैरह मिल जाएंगे और साथ में पोहा वगैरह, जो भी ब्रेकफास्ट बेसिक होता है वो आपको मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे दलिया वगैरह और नॉन वेज में अंडे वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पे टोस्ट करके साथ में चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हो। तो ये है छोटा सा लॉन्च, देखिए अंदर से आपको इसका व्यू आ रहा होगा, काफ़ी छोटा लॉन्च है बट बढ़िया है टाइम स्पेंड करने के लिए।
दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अहमदाबाद एयरपोर्ट और बैगेज लेने के लिए सी बेल्ट नंबर 2 पे खड़ा हूं। अभी मुझे यहां से शायद टर्मिनल 2 पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहां से इंडिगो की फ़्लाइट रन करती है। ये आई थिंक डोमेस्टिक टर्मिनल है, तो अभी यहां से बैग लेने के बाद मैं टर्मिनल 2 पे जाऊंगा और अपना चेक इन वगैरह वहाँ पर करूँगा और यहाँ से इमिग्रेशन करूँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आती है इमिग्रेशन में, क्या इमिग्रेशन बढ़िया है कि नहीं, तो वो आपको बताऊँगा। और आज मैं यहाँ पे इंटरनेशनल लॉन्च भी एक्सेस करूँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे लॉन्च की क्वालिटी कैसी है और आप जब लॉन्च आओ तो कौन कौन से कार्ड यूज़ कर सकते हो। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल यहाँ पर बेल्ट शुरू नहीं हुई है, 2 नंबर बेल्ट पर हमारा सामान आएगा। फ़्लाइट इंडिगो की बढ़िया थी, बट थोड़ी दिक्कत ये कर दी कि उन्होंने मुझे जो मैंने सीट रिज़र्व की थी वो नहीं दी। उसके लिए मैं भी कंप्लेंट करूँगा, इनको चाहिए कि ऐसा मत करें, क्योंकि किसी ने विंडो सीट लिया तो उसको विंडो सीट ही मिलनी चाहिए, उसके लिए अगले बंदे ने पे किया है। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ टर्मिनल 1 के बाहर, और अगर आपने टर्मिनल 2 जाना है तो उसके लिए यहाँ से फ्री शटल चलती है। इसके लिए पीछे आप अगर देख पा रहे होंगे एक साइन बोर्ड लगा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एयरपोर्ट से बाहर आते ही ये 2 नंबर लेन में ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इस पर आपको कॉल करनी पड़ेगी और एक शटल आएगी जो आपको यहाँ से पिक करेगी और आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के जाएगी। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि शटल यहाँ पे कितने बजे आती है। बाकी एयरपोर्ट बढ़िया है, ठीक लगा है। अभी मैं शटल की वेट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है शटल की यहाँ पर। दोस्तों अभी मैं वेट कर रहा हूँ शटल का, लगभग 5 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोई शटल नहीं आई। बाकी आपको यहाँ से ओला उबर सब मिल जाएगा अगर आपने सिटी में जाना है, और सिटी बस भी यहाँ से चलती है तो वो आप पता कर सकते हो यहाँ से। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ शटल का क्योंकि टाइम बहुत पड़ा है, वैसे तो पैदल पैदल जाएंगे तब भी 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे, बट अब शटल की सर्विस है तो देखते हैं कैसी है, यूज़ करते हैं इसको। फ़िलहाल मैं वेटिंग ही कर रहा हूँ शटल के यहाँ पर। दोस्तों ये है शटल बस, आप देख पा रहे हो अंदर से बिल्कुल खाली है और मुझे अकेले के लेने के लिए आई हुई है ये। दोस्तों ये है एयरपोर्ट अहमदाबाद का, खचाखच भर रखा है समय। तो ये है अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 2 है ये। तो दोस्तों अभी मैं टर्मिनल 2 के अंदर बैठा हूँ, टर्मिनल 1 के बाहर से फ्री जो शटल है वो मिल गई थी। यहाँ से एयरपोर्ट लगभग 1-1.5 किलोमीटर वॉक इन पड़ता है, तो वॉक इन मत आइएगा, फ़ोन कीजिएगा, 5-10 मिनट में शटल आती है। फ़िलहाल तो शटल पूरी खाली थी और लगभग मैं यहाँ पे 3 बजे पहुँचा हूँ, तो इन्होंने तो मना कर दिया कि आपकी फ़्लाइट 12 बजे है तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। बट वहाँ पे जो भाई साहब थे, मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की कि सर हम भी पंजाब से आए हैं तो अभी कहाँ रुकेंगे, तो उन्होंने मुझे अलो कर दिया। और फ़िलहाल मैं अब वेट कर रहा हूँ यहाँ पे सीट पर बैठ के, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अब आप बाहर नहीं आओगे, तो मुझे बाहर जाना नहीं है, मुझे बेसिकली यहीं एयरपोर्ट पहुँचना, तो एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। बट अभी जो फ़्लाइट का चेक इन वाला काउंटर है वो अभी खुला नहीं है, तो उसे खुलने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ बैठूँगा 2-2.5 घंटे, उसके बाद चेक इन करने के लिए अपना बैग वगैरह जमा करवा के फिर यहाँ से इमिग्रेशन करूँगा वियतनाम के लिए। दोस्तों शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी लगभग 15-20 मिनट में हमारा जो लगेज यहाँ पे एयरपोर्ट पे जमा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इमिग्रेशन वगैरह के लिए जाएंगे और फिर बाकी का समय हम लॉन्ज में बैठ के बिताएंगे। तो आगे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों फाइनली अपना चेक इन हो चुका है और इमिग्रेशन हो चुकी है। चेक इन का एक्सपीरियंस इस बार BAZ के साथ बहुत बुरा रहा है, उन्होंने मेरे सारे कंट्री के वीज़े टिकट देखी और इवन टिकट वो साउथ वाले एयर एशिया काउंटर से वेरीफाई भी करवाई, जिसमें मुझे कम से कम उन्होंने 20-25 मिनट खड़ा रखा, जो कि बहुत बुरा है। और आप भी ध्यान रखिए अगर BAZ से जाओगे तो आने वाले टाइम में ऐसी मुश्किलें आ रही हैं। और उसके बाद इमिग्रेशन का सही रहा, इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, 5 मिनट में इमिग्रेशन हो गई थी। अभी लगभग 9:30-9:15 होंगे और अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। अभी मैं जाऊँगा एक्सेस करने यहाँ पे जो लॉन्च है, मैंने सुना अदानी लॉन्च के नाम से है, तो अभी वहाँ जाऊँगा। ये देखिए मेरे पीछे एयरपोर्ट, छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा रश नहीं है,
और अगर बात करूँ इमिग्रेशन की तो इमिग्रेशन बहुत बढ़िया थी यहाँ पे। कुछ नहीं पूछा, ये पूछा है कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा आज मैं चार कंट्री जा रहा हूँ, नवला हनोई में रुक रहे हो, मैंने कहा हाँ बस नवला कुछ नहीं बाकी कुछ नहीं देखना, आप हनोई में रुक रहे हो तो ठीक है आप जाइए। उन्होंने एग्ज़िट की स्टैंप लगा दी और अभी जाएंगे वियतनाम, सुबह पहुँचेंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहता है, लास्ट टाइम तो अच्छा था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये है हैदराबाद एयरपोर्ट का इंटरनेशनल लॉन्च, द लॉन्च नाम से, ये बिल्कुल एक नंबर गेट जहाँ शुरू होता है उस तरफ ही है, और यहाँ पे आपको भी भीड़ दिख रही होगी, तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा देखने के यहाँ पे कैसी सर्विस है इनकी। दोस्तों ये देखिए अंदर का व्यू लॉन्च का, यहाँ पे आपको गुजराती डिशेज मिल जाएंगी, खाखड़ा वाखड़ा जो गुजरात का फेमस है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ में अभी लंच चल रहा है, तो लंच में आपको चाहे तो इंग्लिश लंच भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको सूप दाल चावल सारे मिल जाएंगे, साथ में आपको रोटी और चाइनीज़ में आपको नूडल वगैरह और मंचूरियन वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फूड के मामले में बात करूँ तो लॉन्च डिसेंट था, ये देखिए सारा फूड आप देख पा रहे होगे, फ्रेश फूड बन के आ रहा था, ये है दाल साथ में चावल पड़े हुए हैं। और अगर बात करूँ अगर आप इसके अलावा कुछ खाना चाहते हो तो इसके अलावा आपको लस्सी मिल जाएगी, पानी तो चलो हर लॉन्च में मिलता है, लस्सी और साथ में आपको फ्रूट में बनाना एप्पल भी थे, फ़िलहाल ख़त्म हो गए थे तो एप्पल ही मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये देखिए साथ में चाय कॉफ़ी का पूरा इंतज़ाम है, और साथ में ये देखिए लॉन्च में आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए लॉन्च बड़ा छोटा सा लॉन्च है और काफ़ी भीड़ है इसमें, देख पा रहे होगे आप। और इसके अलावा ये देखिए फ्रूट यहाँ पे पड़े हुए हैं एप्पल वगैरह, और ये जूसेस और कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे अनलिमिटेड है, आप पी सकते हो, अगर साथ लेके जाना आओ तो लेके जा सकते हो, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है लेके जाने की। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस लॉन्च का काफ़ी अच्छा रहा। तो दोस्तों अभी मैंने लॉन्च एक्सेस कर लिया है, जहाँ का जो लॉन्च है बिल्कुल एक बेसिक सा लॉन्च है, जैसे हमारा डोमेस्टिक होता है वैसा है। खाने के लिए कुछ आइटम थी बट बहुत ज़्यादा क्राउडी था, बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी, लोग खाना खा के निकल रहे थे, बट मैं फिर भी दो घंटे एक सीट पकड़ के बैठा रहा, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम मेरी नहीं है ना, मैं तो अपना खाना खा के और बैठा वहाँ पे दो घंटे बतीत किए और अभी आया हूँ। बट यहाँ पे काफ़ी क्राउडी है जो लॉन्च है, बट फिर भी आप एक्सेस कर सकते हो खाना खाने के लिए, खाना बढ़िया था, ठीक था। और बाकी तो मैंने बता दिया कि इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस बढ़िया था, बट जो बीएजेट वालों का एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं था, तो बीएजेट को आगे से अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी इनकी सर्विस थर्ड क्लास होती जा रही है। और अभी लगभग 10:30 बजे हैं और मेरी फ़्लाइट है 12 बजे, अब मैं 12 बजे तक इसी एयरपोर्ट पर वेट करूँगा और उसके बाद फ़्लाइट में बैठूँगा और पहुँचूँगा हनोई। दोस्तों ये एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ उसके 9 गेट हैं, जो पहले 5 गेट हैं वहाँ पे काफ़ी क्राउड था, क्योंकि उस तरफ काफ़ी फ्लाइट है, अभी बैंकॉक थाईलैंड वगैरह जा रही थी सिंगापुर। बट अगर हम 4 से लेकर 9 तक आएंगे तो यहाँ पे खाली है, बिल्कुल खाली कोई नहीं है, वाशरूम साफ है, उस तरफ वाशरूम फुल हो रखा है, बट इस तरफ बिल्कुल खाली है। यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखिए सोने के लिए कितने बड़े यहाँ पर लगे हुए, सारे खाली पड़े, उधर लोग चेयरों पर बैठे हुए हैं, और इस तरफ देखो तो कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपकी भी फ्लाइट 12:30 बजे है तो एक आधे घंटे के लिए आप यहाँ आके रेस्ट कर सकते हो, इस तरफ कोई क्राउड नहीं है, वाशरूम क्लीन है, वाशरूम में कोई भीड़ नहीं है। लॉन्च में जाइए, 2 घंटे लॉन्च में अपने व्यतीत कीजिए, उसके बाद अपने स्नैक्स वगैरह लॉन्च में से ले लीजिए, डाल लीजिए बैग में, क्योंकि लॉन्च वाले भी तो इतने पैसे हमसे ले ही रहे हैं, हमें बदले में क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं। तो जो कोल्ड ड्रिंक जो भी चाहिए अपना बैग में डाल लो, कोई नहीं पूछता, चलता है हमारा ही पैसे, लॉन्च चल रहा है, कुछ ये नहीं है कि हम 2 रुपये में या फ्री में नहीं खा रहे हैं, कोई ना कोई फीस को हमारे कार्ड जो हमसे पैसे लेते हैं इनको देते हैं। तो आप लॉन्च में अपना पूरा पेट फुल करके आइए, और यहाँ पे देखिए मस्त, देखो मैं यहाँ पे लेट गया हूँ, मस्त खाली पड़ा है,
तो मस्त आके लेटिए, आपका एक घंटा पास हो जाएगा। बाकी रही बात फ़्लाइट की, वैसे BAJet की फ़्लाइटें हैं तो सस्ती हैं, बट अभी सर्विस से इनकी जो, हालांकि BAJet की गलती नहीं है, यहीं हमारा इंडियन लोग ही हैं, मतलब एक इंडियन ही इंडियन को शक की निगाह से देख रहा है। मैंने इसको चारों वीज़े, चारों टिकटें, होटल, अपनी जॉब का ध्यान कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तब भी उसको उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने वो मेरी जो एयर एशिया की टिकट थी वो एयर एशिया काउंटर जाके वेरीफाई कराई, उनने वेरीफाई की हाँ जी टिकट तो बुक है भाई जसवीर सिंह के नाम पे, तब उन्होंने मुझे दिया। और जब मैं इमिग्रेशन पे आया, मैं डर रहा था, पता नहीं इमिग्रेशन में कितना पूछेंगे, इमिग्रेशन वाले कुछ नहीं पूछा, ऐसे मतलब बिल्कुल मक्खन जैसी इमिग्रेशन हो गई। तो ये एयरलाइन वाले भी कुछ ज़्यादा दादागिरी करते हैं अपनी, इनके ज़्यादा रूल हो गए हैं जबकि इमिग्रेशन में रूल कम है। तो अभी मैं आपको फ़्लाइट में मिलूँगा, फ़्लाइट लैंड करते हुए कुछ मैं दिखाऊँगा, क्योंकि हनोई की मैंने लैंडिंग की वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं लैंडिंग की वीडियो आपको दिखाऊँगा, उसके बाद आपको मैं सीधा मिलूँगा जाके हनोई में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके 12 बज गए हैं और अभी मैं कर रहा हूँ अपनी फ्लाइट पे बोर्ड, और अभी आपको मैं जाके मिलूँगा हनोई और आपको दिखाऊँगा हनोई सिटी।